वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 एंड 10 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने फिर से एक बार हिस्ट्री बना दी है डायमंड लीग में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद। नीरज चोपड़ा सब जानते हैं जैवलिन थ्रो के साथ ये एसोसिएटेड हैं और डायमंड लीग में गोल्ड मेडल अचीव करने वाले इन अ इवेंट ऑफ मेंस जैवलिन थ्रो ये पहले इंडियन बन चुके हैं। ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन मैन जिन्होंने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जो इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था वो तो बेकार हो गया था बिकॉज ऑफ अ फाउल, एक फाउल हो गया था इनकी तरफ से। उसके बाद ये पहुंच चुके थे सिक्स्थ पोजीशन पे और जब इन्होंने अपना सेकंड अटेम्प्ट लिया तो सेकंड अटेम्प्ट में 88.48 मीटर का टारगेट सेट करने के बाद ये आ गए डायरेक्टली टॉप पोजीशन पे। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये नीरज चोपड़ा की तरफ से। तो इसी पर्टिकुलर इवेंट में सेकंड नंबर पे जो प्लेयर रहे हैं इनका नाम है जैकोब वेडलिच, जो कि है द क्रेच रिपब्लिक से, जिन्होंने टारगेट बनाया है ऑफ 86.94 मीटर का। और थर्ड नंबर पे जो प्लेयर रहे हैं उनका नाम है जेवलिन वेबर फ्रॉम जर्मनी, जिन्होंने टारगेट अचीव किया है ऑफ 83.73 मीटर। सेकेंड न्यूज़ है रिलेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ, जिनका 96 साल की उम्र में हो चुका है निधन। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटिश मोनार्क में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्व करने वाली क्वीन रह चुकी हैं, जो कि अभी अभी 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में जिनका निधन हो गया है। 25 ईयर्स की एज में इन्होंने क्राउन जो है वो पा लिया था। इनके फादर किंग जॉर्ज सिक्स के सडन डेथ के बाद इन्हें बना दिया गया था क्वीन एट द एज ऑफ 25 ईयर्स और उसके बाद से अब तक 70 साल इन्होंने राज किया। तो 70 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड जब क्वीन एलिजाबेथ ने रूल किया है ओवर ब्रिटेन। और अब इनकी डेथ के बाद तो इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं जिनका नाम है प्रिंस चार्ल्स, इन्हें डिक्लेयर किया गया है एज अ न्यू किंग ऑफ यूके। तो इनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को डिक्लेयर किया गया है न्यू किंग ऑफ यूके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडियाज पोजीशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। अभी अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है उसके हिसाब से इंडिया की रैंक है 132 आउट ऑफ 191। तो टोटल 191 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक है 132। पिछले साल इसी इंडेक्स के हिसाब से जो इंडिया का रैंक था वो था 131। तो इस साल इंडिया और एक पायदान नीचे गिर गया है और अब इस बार जो उन्होंने रैंक एक्वायर की है वो है 132। ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से जो ह्यूमन को इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देखना पड़ा इसकी वजह से भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बहुत बड़ा असर हुआ है। एंड अप्रॉक्स इंडिया ही नहीं 90% कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ग्राफ नीचे की तरफ आया है पर्टिकुलरली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इस रिपोर्ट में 90% कंट्रीज ऐसी हैं जिनका रैंक अपनी प्रीवियस रैंक से थोड़ा नीचे ही शिफ्ट हुआ है। जो ये रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये रिलीज की जाती है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP। तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के हिसाब से जिस कंट्री ने टॉप किया है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे है नॉर्वे एंड थर्ड नंबर पे है आइसलैंड। इसके अलावा अगर इंडिया के कुछ नेबर्स की बात की जाए तो इंडिया के नेबर्स में श्रीलंका है 73rd पोजीशन पे, चाइना है 79th पोजीशन पे, बांग्लादेश है 129th पोजीशन पे, भूटान है 127th पोजीशन पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज़ किया है अभी अभी टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त, टीबी एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, तो उससे बचने के लिए एक स्कीम जारी की गई है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्चुअली रिलीज़ की गई ऑन 9 सितंबर 2022 को नेम्ड एज प्रधानमंत्री टीबी भारत मुक्त अभियान। मेन एम क्या है इस स्कीम का, 2025 तक का टारगेट सेट किया गया है कि ट्यूबरक्लोसिस को कैसे इंडिया से एलिमिनेट किया जाए। बेसिकली इस पे फोकस करेगी ये स्कीम। इसी पर्टिकुलर अभियान के अंदर आता है आपका निक्षय मित्र इनिशिएटिव। तो निक्षय क्या है, निक्षय एक प्लेटफॉर्म है जो भी टीबी के पेशेंट्स के लिए किसी भी तरीके की कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर उनके लिए डोनेशन दे सकते हैं। तो जो भी पर्सन डोनेशन देगा, जो भी डोनर्स होंगे उन्हें कहा जाएगा निक्षय मित्र, जिसमें वो न्यूट्रिशनल हेल्प दे सकते हैं, एडिशनल डायग्नोस्टिक की हेल्प दे सकते हैं या फिर वेलकॉनिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं टू टीबी पेशेंट्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है इंडिया में बनने जा रहा है लॉन्गेस्ट रबर डैम। इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम बनने जा रहा है कहाँ पर, बिहार में। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का सबसे बड़ा
रबर डैम जिसका नाम है गयाजी डैम, जो कि है फल्गु रिवर के ऊपर और जगह का नाम है गया। तो बिहार में पर्टिकुलरली जो जगह है गया, वहां पर बनने वाला है गयाजी डैम, जो कि है इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम, जिसकी लेंथ होने वाली है 411 मीटर और जिसकी हाइट होने वाली है 3 मीटर और 312 करोड़ की लागत के साथ बनाया जा रहा है ये डैम, जिसका नाम है गयाजी डैम ऑफ बिहार। इस पर्टिकुलर डैम के बन जाने के बाद विष्णुपद घाट में हमेशा अवेलेबल रहेगा 2 फीट तक का पानी। तो जो भी बिहार के सिटीजन्स हैं वहाँ पर जाते थे पिंड दान करने के लिए, उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि वो वहाँ पर जा सकते हैं और पिंड दान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 10 सितंबर को। हर साल एवरी ईयर 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसका मेन एम ये है कि लोगों को ये मैसेज पहुँचाया जा सके कि किस तरीके से वो सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं, सुसाइड को अवॉइड कर सकते हैं। तो लोगों को अवेयर करना ही इसका मेन मोटिव है। पहली बार ये एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 2003 से मनाना शुरू हुआ, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे सेलिब्रेट करना शुरू किया उसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, जो वर्क करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक और सब्सिडरी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। और इस बार का 2022 का जो थीम है वो भी हमें याद रखना है। थीम है इस दिन का क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। जो हमने नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करनी है, सिक्किम जो है पहली बार होस्ट करने वाला है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी बहुत ही फेमस नाम है, किससे एसोसिएटेड है या आपकी गेम क्रिकेट से एसोसिएटेड है। तो पहली बार रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन सिक्किम, जो कि होगा दिसंबर 2022 से शुरू। इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सिक्किम ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 3 और स्टेट्स को इन्वाइट किया है, जिनमें है मिजोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। वेन्यू कहाँ होने वाला है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी रणजी ट्रॉफी? इसका वेन्यू रहेगा माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड, जो कि है रांगपो में। रणजी ट्रॉफी पहली बार तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी सिक्किम और भी इस तरीके के इवेंट्स को हैंडल कर चुका है। इससे पहले 2 बार वहाँ पे कोच बेहर ट्रॉफी के मैचेस करवाए जा चुके हैं, और इसके अलावा 3 बार सीके नायडू ट्रॉफी भी अरेंज हो चुका है इन सिक्किम। सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। यहाँ पे जो इस टाइम प्रेजेंट CM है, चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, और जो प्रेजेंट गवर्नर है, गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट न्यूज़ हम लेके आए हैं छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ ने अपने 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। अब तक आज से पहले छत्तीसगढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या थी वहाँ पर टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसका जो नंबर है वो इंक्रीज होके हो गया है अब 33। तो अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, जिनका नाम है भूपेश बघेल, उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स। क्या नाम है इनके? पहला डिस्ट्रिक्ट है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है शक्ति। ये 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, जो कि 32nd एंड 33rd डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। शक्ति जो है ये बनाया गया है फ्रॉम द एरिया ऑफ जंगीर एंड चंपा, और ये जो आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है नरेंद्रगढ़ चिरमिरी एंड भरतपुर, ये बनाया गया है फ्रॉम द एरिया ऑफ कोरिया। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसकी कैपिटल का नाम है नया रायपुर, चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल, एंड गवर्नर का नाम है अनुसुईया यूके। नेक्स्ट न्यूज हमने डिस्कस करनी है अबाउट ओडिशा, एंड ओडिशा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है छाता। तो क्या है ये छाता स्कीम, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ छाता, दैट इज कम्युनिटी हरासिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वेफायर, ये है फुल फॉर्म ऑफ छाता। बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है ये एक स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि बारिश के पानी को किस तरीके से हम हार्वेस्टिंग में यूज कर सकते हैं और बारिश के पानी को कैसे हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। 5 साल के लिए ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। मेन एम टू वर्क टुवर्ड्स अ कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, कि बारिश के पानी को कैसे बचाया जा सके और वाटर की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके इन अर्बन लोकल बॉडीज। अंडर दिस स्कीम ये टारगेट रखा गया है कि 2022-23 से लेकर 26-27 तक के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें टारगेट सेट किया गया है टू सेव द वाटर विच इज 373.52 करोड़ लीटर्स। तो इतना पानी हमें बचाना है फ्रॉम द रेन वाटर, ये टारगेट सेट किया गया है।
और इस काम को करने के लिए जो टोटल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट की जा रही है दैट इज 270 करोड़, 270 करोड़ की लागत के साथ ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें काम करेंगे वर्कर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज दैट इज DOWR। तो ओडिशा के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। इसकी कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। तो ये हमने डिस्कस की सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।